2017 यामाहा FZ10 साल से पहली सवार है। मैं यामाहा FZ09 में 847 cc 3 सिलेंडर इंजन के काफी शौकीन हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई एक इनलाइन 4 सिलेंडर के द्वारा संचालित बाइक की जंगली बच्चे ट्रिपल ओवर पिछले 3 साल। यामाहा बाइक पूरी तरह से इस पूरे लाइन जमीन से घनन गया है। मैच के लिए एक आंत का रोमांच प्रदान करने के लिए जा रहा था। वे FZ09 में नए डिजाइन 847 cc इंजन के साथ ट्रिपल शुरू कर दिया है। कुछ छोड़ की पहले मॉडल लाइन प्रभुत्व था। इनलाइन 4 मंच इस प्रवृत्ति को FZ07 और अपने सभी नए समानांतर 2 की शुरुआत के साथ जारी रखा, जब यह घोषणा की थी कि FZ10 FZ1 की जगह होगी। हमने सीखा है कि यह एक ही 998 cc क्रॉसप्लेन 4 सिलेंडर में पाया द्वारा संचालित किया जाएगा। नया एक एग्जिटन हमारे होटल और उत्तरी कैरोलिना में रूट 28 पर खींच लंबे समय से व्यापक हटता तुरंत शुरू किया। FZ10 की गला घोटना मोड को विनियमित कैसे सतह से दिया जाता है और यामाहा हमें सभी FZ09, FJ09 और XSR900 पर पाए जाने वाले से मोड के पदनाम बदलकर उज्जैन में है। मानक मोड अब इंजन से माइल्डेस्ट प्रतिक्रिया एलिसिट, जबकि बी मोड सबसे आक्रामक प्रदान करता है। एक विधा है जो दोनों के बीच में होता है, गला घोटना प्रतिक्रिया और बिजली वितरण का सही समझौता पेशकश करने के लिए लग रहा था। और जहां मैं अपने समय के सबसे बिताया यह बात है, इंजन इंटरनल्स A1 की तुलना में बदल दिया गया है और अधिकतम और मध्य दूरी टोक देने के लिए नई कैमशाफ्ट्स, पिस्टन इंजेक्टर्स और 7 वाल्व से संशोधित 7 बंदरगाहों के लिए सब कुछ है और साथ में एक बड़ा हवाई बॉक्स का काम है। यह पूरा राजस्व सीमा में काम FZ10 ट्रिपल के रूप में अच्छी तरह से FJ09 और XSR900 FZ09 के रूप में पाया के रूप में मुश्किल हिट नहीं करता। इसके बजाय आप इंजन स्पिन करने से पहले यह जीवन के लिए आता है, लेकिन जब यह होता है बाहर देखो, एक विधा में इंजन 6000 RPM के आसपास जाग उठा है और वहां से एक बढ़ा। फ्लैट टोक वक्र का मतलब है बाइक 12200 RPM रेड लाइन के लिए एक मालगाड़ी की तरह खींचती है। इस बाइक पर कर्षण नियंत्रण A1 से ली गई है। FZ10 के हस्तक्षेप के 4 स्तरों पर है। एक स्तर सवार सामने पहिया, मचान और बेहद आक्रामक तरीके से सवारी। स्तर 2 से 1 की गुंडागर्दी का केवल एक सा और विनियमन की पेशकश के साथ करने के लिए अनुमति देता है। स्तर 3 हस्तक्षेप के उच्चतम स्तर प्रदान करता है और गीला या फिसलन की स्थिति के लिए करना है। चौथे सेटिंग सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए सवार की अनुमति देता है। मैं एक स्तर में मेरा पूरा दिन बिताया है और कभी नहीं एक बार आदेश पुलिस आज की मैंने पहले उल्लेख किया है। FZ10 भी 3 को चलना मोड से चुनने के लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह से कर्षण नियंत्रण निष्क्रिय करने की जरूरत पाया। मैं इस तथ्य है कि इस प्रणाली इग्निशन बंद करने के बाद अपनी पसंद की गला घोटना और कर्षण नियंत्रण सेटिंग्स को याद पसंद है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां FZ10 के लिए छोड़ दिया मुझे अधिक चाहता है। मैं इनके रूप में ब्रेक से अधिक काटने उम्मीद कर रहा था। भी सीधे 2 बाइक के बीच मुख्य अंतर यह है, अवांत को उठा लिया गया था, मास्टर सिलेंडर है। कहां A1 निसन ब्रेजियल मास्टर सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। FZ10 एक ब्रेम्बो का हो जाता है, नतीजा एक बहुत ही नर्म प्रारंभिक काटने। जब आप गर्म में आ रहे हैं, क्या आप वाकई लीवर पर एक अच्छा मजबूत पुल ब्रेक यह बुरा लड़का नीचे गिरने धीमा करने के लिए देने के लिए तैयार कर रहे हैं। बनाने की जरूरत सुविधा ABS जो FZ पर ABS की कमी से निराश सवारों के लिए एक सकारात्मक होने जा रहा है। 09 सिस्टम जुड़ा हुआ है और दोहरी सामने एडवेक्स 4 पिस्टन 320 मिलीमीटर रोटर और एक 220 मिलीमीटर रोटर के साथ एक रियर एकल पिस्टन कैलिपर पर रोक लगाने नली का व्यास है नहीं है। ABS के लिए कई बार लगे और मैं चिकनाई के साथ जो यह संचालित है कभी नहीं के कारण बाइक अस्थिर महसूस करने से प्रभावित था। सवार के लिए अपनी चिंताओं जो 2 अब खेल दौरे के लिए FZ10 पर विचार कर रहे हैं में से एक विविध भार के लिए आवश्यक समायोजन करने में सक्षम किया जा रहा।
है, जबकि अतिरिक्त वजन को समायोजित करने के लिए प्रीलोड का समायोजन सामने कांटा पर काफी आसान है। रे सदमे की लॉक के छल्ले अगर वे अंगुली तक पहुंचने के लिए खत्म करने का एक सा आवश्यकता हो सकती है के रूप में देखो यह उल्लेख भालू, क्योंकि यामाहा पहले से ही लोगों के लिए काम करता है। जो दूसरी बात मैंने पाया अजीब तथ्य यह यामाहा और FZ10 की उल्लेख किया था कि मशीन तो एक खेल दौरे में FZ10 बारी करने की इच्छा में एक वैकल्पिक विंडो स्क्रीन और सामान है गेम स्टील में बदल गया था बेहतर है कि यात्री और सामान के वजन को समायोजित करने के लिए। हालांकि कल्पना पत्र के अनुसार FZ10 की सकल वाहन वजन रेटिंग GVWR 838 पाउंड जबकि 853 पाउंड है। एक ही FZ10 में फैक्टर 463 पाउंड गीला लगभग 25 आ एक से अधिक पाउंड में वजन और FZ वास्तव में लगता है कि यामाहा इसके आक्रामक स्टाइल के साथ एक जुआ लिया काफी कम अतिरिक्त लोड ऐसे निपटने में सक्षम हो रहा है। मोटरसाइकिल में यहाँ टाइपिंग बैठने के रूप में मेरे पिताजी और साथी सवार मेरे कंधे पर देख रहा है कि कैसा घृणित इस बाइक लग रहा है। प्रतिपणी आप तर्क दे सकते हैं कि मेरे पिता लक्षित दर्शकों के लिए नहीं है और सुंदरता देखने वाले की नज़र में है, लेकिन यामाहा पर्याप्त उपभोक्ताओं को जो इस बाइक कृपापूर्वक उनकी चेकबुक खोलने के लिए पर्याप्त निहारना मिल गया है।